नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए है, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये वीडियो सभी बच्चों के काम आए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा भी चैनल है वशिष्ठ एकेडमी, स्पेशल है 11th और 12th के लिए, खास तौर पे साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए। मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ कंपार्टमेंट के। मैं वो क्वेश्चन बताना चाहता हूँ जो क्वेश्चन 100% आएंगे। मैं कंपार्टमेंट वाले बच्चों को यही राय देना चाहता हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा उन बच्चों के लिए कि वो ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते, पर मैं चाहता हूँ कि वो अपना फोकस पहले 40 मार्क्स पर करें, इसलिए मैंने इसका टॉपिक का नाम रखा है मिशन 40। यानी कि वो क्वेश्चन जरूर करें जो क्वेश्चन 100% आएंगे। अगर उनकी वैल्यू चेंज होके आती है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और उन्हें इतने आसानी से कैलकुलेशन करेंगे जब तक एलजेब्रा आपका थोड़ा मुश्किल आए उससे पहले पहले आप 1, 2 या 2.5 नंबर उसमें से ले लें। मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप आज जैसे 5 तारीख है और 4 तारीख है और अगली 5 तारीख को आपका एग्जाम होना है, यानी कि 5 जुलाई को, तो 1 महीने के टाइम पर अगर आप डेली 1, 2 क्वेश्चन इसमें से डेली करते हैं तो आप आसानी से बड़े मजे से 40 नंबर ला सकते हैं। मेरी बातों पर खास ध्यान दें और पहले आप इन्हें करें, बाकी फिर आपकी मर्जी है, जैसे भी करें वो अच्छा है। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन रखा है एक्सरसाइज 1.1 का, 1.1 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से वो शो करना होता है, तो उसको रटा भी जा सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है या एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 है। इसके साथ साथ में एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन निश्चित से आता है, हर बार ही आ रहा है, इस बार भी ये दोनों क्वेश्चन आए थे कि इरेशनल प्रूव करना होता है। तो इन दोनों टाइप का एक एक क्वेश्चन आप डेली जरूर करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन रखा है वो मैंने थ्योरम रखी है चैप्टर सिक्स की। 5 थ्योरम है चैप्टर 6 में, 4 थ्योरम 5 थ्योरम है खास तौर पे, तो उन 5 थ्योरम में से डेली आप 1 थ्योरम जरूर करते रहे। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम आए और आप उसमें बीपीटी कर रहे हो, या पाइथागोरस की थ्योरम आए और उसमें आप कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कर रहे हो, तब तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपने थ्योरम को ध्यान से पढ़ लिया और उसका गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और फिगर भी बना दिया तो 2 मार्क्स तो आपके वहां पर निश्चित हो जाते हैं। तो इसलिए ये 2-3 नंबर का चैप्टर थ्योरम जरूर तैयार करें, केवल 1 थ्योरम डेली करने की जरूरत है। उसके साथ साथ में चैप्टर 7 पे मैं आता हूँ। तो 7 में पूरा करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, अगर आप डेली इन्हीं क्वेश्चंस को 1, 2 क्वेश्चन करते रहें और 7.3 से एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 वाला क्वेश्चन कर लें जहां से के की वैल्यू निकालनी होती है, तो वहां से भी आप 2-3 मार्क्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं चैप्टर 9 पर जाता हूँ। ये थोड़ी सी अजीब टॉपिक मैंने रखा है, अजीब इसलिए रखा है कि आप इसे ट्रिको मत समझिए, आप ये समझिए कि 5-6 टाइप की फिगर है जो उस एक्सरसाइज में बनती है। उन फिगर को आप बार बार बना लो 1 महीने तक, 2-2, 3-3 क्वेश्चंस की, और 2 ट्राइंगल सेलेक्ट कर लो और उसमें 10θ या sinθ लगा दो, ज्यादातर 9θ लग जाता है, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से 2-2.5 नंबर दे जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए फिर उसके बाद में एक्सरसाइज हम चैप्टर 11 पर आते हैं, एक्सरसाइज 11.1 और 11.2। वहां पर दोनों एक्सरसाइज में 6-7 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के आप एक एक क्वेश्चन करके तैयारी करेंगे तो 1 महीने में करीब 3 बारी आप उस एक्सरसाइज को कर जाएंगे, तो बड़े आराम से वो क्वेश्चन आराम से निकल जाता है। उसके साथ में आप आ जाते हैं सीधा 13.4 पर, जहां पर एक क्वेश्चन आपको फ्रस्टम वाला क्वेश्चन अक्सर आ ही रहा है, इस बारी चॉइस में आया था लेकिन हो सकता है बिना चॉइस के भी आए। अगर आपने उसके तीनों फॉर्मूले याद कर लिए, यानी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो वहां से आपको 4 नंबर में से 2-2.5 नंबर मिलने बिना कैलकुलेशन के भी, या कैलकुलेशन गलत भी हो जाए लास्ट में तो जरूर आपको 2-2.5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रखा है वो मैंने रखा है 13.2 और 13.3 का। मैं वॉल्यूम से क्वेश्चन आपको करवाने के लिए कह रहा हूँ, सरफेस एरिया से आप बाद में करें क्योंकि वॉल्यूम से सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। अगर हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा है तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के आप प्लस कर सकते हैं, बाद में अगर गलत भी हो जाएगा तो भी आपको 2-2.5 नंबर बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। उसके साथ भी मैं चलता हूँ 14.4 पर, ओगिव वाला क्वेश्चन है, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव, केवल टेबल बनानी होती है, सीएफ निकालनी होती है, कोऑर्डिनेट निकाल के ग्राफ बनाना होता है, तो अगर आप पूरा भी ना कर पाए, आधा भी अगर आप कर देते हैं तो वहां 2-2.5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर 15 है वो भी बड़ी आसानी से हो सकता है, एक ही फॉर्मूला है, टोटल आउटकम आप निकाल लेंगे। 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, जैसे प्लेइंग कार्ड है, 2 डाइस है, 2 डाइस या 1 डाई है, या फिर कॉइन्स है, या फिर नंबर्स है कि 100 से इतने तक या
टू डिजिट नंबर या थ्री डिजिट नंबर, तो वहां से क्वेश्चन बड़े आसान से निकल सकता है, बशर्ते आप दो तीन क्वेश्चन डेली आप उसे लेकर चार तारीख तक करें। तो चैप्टर फोर में मैं केवल एक ही क्वेश्चन आपको बोलना चाहूंगा कि जिसके इक्वल रूट होते हैं, मतलब डी इक्वल टू जीरो, तो वो क्वेश्चन भी आसानी से आपको एक नंबर दे देगा। इसी तरीके से चैप्टर फाइव में मैं आपको 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 करने के लिए जरूर बोलता हूँ, मुझे लगता है कि उन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाता है, यह एस एन और ए एन का क्वेश्चन होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ चैप्टर 12, चैप्टर 12 में आप एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर याद कर लो, एरिया ऑफ सेगमेंट याद कर लो, यही दो तीन चीजें निकालनी होती है, प्लस या माइनस करनी होती है। अगर आपने उनके पार्ट भी निकाल दिए तो तीन नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो वहां से आपको एक दो नंबर आसानी से मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये 18-20 क्वेश्चन में 18-20 क्वेश्चन में 40 मार्क्स बड़े आसानी से आ जाते हैं। इस तरीके से तैयारी करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो किसी भी तरीके का आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।